ठीक है। अब हम ये कहें इस पेड़ से फल मत तोड़ना। साहिब कलाम का भी दरवाजा खटखटाया ना सुना, आरबीआई को खटाया ना सुना, प्ले स्टोर से तो कोई मतलब ही नहीं। उसका उन्होंने कहा ट्वीट करो, ट्वीट करो, ट्वीट कर, ट्वीटा हो गया मोदी साहब के। ये लोग ट्वीट करते हैं तो चर्चा में आते हैं। दोस्तों आज मैं आपको कड़वी सच्चाई बताऊंगा। देखो मैं सही बताऊंगा, जो भी होगा बहुत से लोगों को हजम नहीं होगी। अब बहुत से लोग इस चीज़ को सुन के जरूर यार कुछ ना कुछ गाली गलौज करेंगे, ये तो मुझे पता ही है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यार सच्चाई कहूँगा मैं। यार यहाँ पे इस समय जो पूरा एक चक्रव्यूह बना हुआ है लोन ऐप्स का, ये आपको अच्छे से पता होगा। लोन ऐप से ना जाने कितने पीड़ित हैं, ना जाने कितनी ऐसी हजारों ऐप पैदा हो रही हैं, लूट रही हैं, मर जाती हैं, फिर पैदा होती हैं और फिर लूटती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, प्ले स्टोर से गायब हो जाती हैं। यहाँ पे आज मैं बात करूँगा आरबीआई, गूगल, प्ले स्टोर, पुलिस, पीएम मोदी साहब या अपनी सरकार, भारत सरकार, सबको आज मैं लपेटे में ले रहा हूँ। उसकी वजह है लोन ऐप्स की प्रताड़ना। मेरे ख्याल से मैं अपने होशोबास की बात कर रहा हूँ, कम से कम 3 साल से देख रहा हूँ। 2019 से लगभग स्टार्ट हो गया था, 20, 21 और 22, लगभग 3 साल से मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ। 2 साल से तो वीडियो बना रहा हूँ, उससे 1 साल पहले से देख रहा हूँ। आज आरबीआई ने ये गाइडलाइन निकाली, आज प्ले स्टोर ने ये इतनी ऐप्स को रिमूव किया, उड़ा दिया, बैन कर दिया, पुलिस ने यहाँ छापे मारे, ऐसा किया वैसा किया, और सरकार ने जो है अलर्ट किया है कि भैया जो है ऐसी ऐप्स को बैन किया जाए, ये किया जाए। तो अभी तक क्यों स्कैम फैला हुआ है? जब आप लोग इतने तेजस्वी हैं, मोदी जी के भाषा में कह रहा हूँ, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे यहाँ, तो क्यों ये स्कैम पैर पसार रहा है, क्यों पसार रहा है हमारे देश में? आरबीआई की इतनी गाइडलाइंस आई हैं, आप न्यूज़ में उठा के देख लीजिएगा, इतनी गाइडलाइंस आई हैं कि ये आज जो नोडल एजेंसी बनाई है, आज ये किया, वर्किंग ग्रुप बनाया, आज ऐसा किया वैसा किया, लेकिन रिजल्ट आता जरूर है लेकिन बहुत स्लो। और इस स्लो में जो एक्चुअल में आज परेशान है उसकी तो फाड़ के रख देते हैं ये लोन ऐप्स वाले। अगर हम यहाँ मोटिवेट ना करें ना, वीडियोज ना बनाएं ना, लोग अवेयर ना करें ना, तो भाई साहब ना जाने कितने लोग अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। आरबीआई की तो बात रही, अब प्ले स्टोर पे आज इतनी ऐप्स को बैन किया गया, जब बैन कर दिया गया तो वो क्यों लौट लौट के दोबारा आ रही हैं? भैया क्यों आ रही हैं जब बैन कर दिया, बताओ ना। प्ले स्टोर भी ऐसा ही है, आरबीआई भी ऐसा ही। देखो मैं बुराई नहीं कर रहा, मुझे मालूम है सच्चाई हजम नहीं होगी, बहुत से लोग गाली और कमेंट कर देंगे यार गाली का, भाई सच्चाई बोल रहा हूँ, सच्चाई। क्यों नहीं अब तक कहीं पर रोकथाम लगी? ये तो ऐसा है ना कि इस पर तो तुरंत रोकथाम लगनी चाहिए। भाई नाइजीरिया में यही बवाल हो रहा था भाई साहब, वहाँ की सरकार ने 2 से 3 दिन में सारा ख़त्म कर दिया, सीरियसली लिया इस मुद्दे को। लेकिन हमारे भारत देश में कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यार। आप 50 लोन है जो है बंद करा दो, 600 करा दो, 10,000 करा दो, 20,000 करा दो, कल को फिर से पैदा हो जाएंगे यार। उनको तरकीब पता है कि हमारी भारतीय गवर्नमेंट कैसी है, कितने देर तक का एक्शन लेगी। अभी मामला बहुत हाईलाइट हो जाए, बेटे हाईलाइट हो गया, अब ये हो गया, बस पुलिस ने यहाँ छापे मारे, यहाँ पकड़ा, यहाँ धकड़ा, क्या होगा? लोन ऐप्स वाले ठंडे पड़ जाएंगे, पुलिस वाले भी ठंडे पड़ जाएंगे, ये लोग फिर बाहर निकल के आएंगे, फिर परेशान करेंगे। ये आलम है, ये तो गूगल प्ले स्टोर का हाल है। अब हम आते हैं अपनी मोदी सरकार पे। मोदी सरकार ने तो पहले तो कुछ कमेंट ही नहीं किया है, सरकार ने जो है एक आदेश जारी किया है या ऐसा बोला है कि अलर्ट जारी किया है कि ऐसी लोन ऐप से बच के रहें, उसमें तमाम कंडीशन लिखी होती हैं, इसको डाउनलोड ना करें, ये इसको हैक कर लेते हैं, इसको ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। भाई आप अवेयर तो कर रहे हो, लेकिन अगर हमारी 135 करोड़ की जनसंख्या है तो मुश्किल से 1 करोड़ इंसान ही अवेयर हो रहा है, हर कोई नहीं जानता इस बारे में। अरे आप उस चीज़ को जड़ से ख़त्म कर दो, बात ही ख़त्म हो गई है यार। कोई पेड़ लगा, उस पेड़ पे बिल्कुल सड़ा हुआ फल आ रहा है, ठीक है। अब हम ये कहें इस पेड़ से फल मत तोड़ना, क्योंकि इस पे सड़ा हुआ फल लगता है। अब भैया बहुत से लोगों को जानकारी प्राप्त हो गई, वो तो नहीं तोड़ेंगे जो होशियार है। अब जो अनपढ़ जिसके बुद्धि में नहीं गुजर रही है, वो तो फल तोड़ेगा, खाएगा, बीमार पड़ेगा। अरे यार बात ही ख़त्म है, जड़ से उखाड़ फेंको, हटाओ, ख़त्म करो, ना रहेगा बात ना बजेगी बांसुरी। ऐसा करो ना, जड़ से उखाड़ फेंको यार, क्यों किसी को ज़्यादा अवेयर करने की कोशिश कर रहे हो? भाई अवेयर करने से हर चीज़, हर पॉसिबल चीज़ हर लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। मेरे कहने का मतलब ये है
अब हम बात कर लेते हैं पुलिस की। भाई पुलिस का आज ही मैंने वीडियो बनाया था, आज ही बनाया, 10 लाख का मांग रहे थे, फोटो वायरल कर देंगे बच्ची के साथ का, ऐसा बोल रहे थे, गंदा फोटो बना दिया वायरल कर देंगे। अब क्या पुलिस के पास गए, पुलिस ने नहीं सुनी, थाने के चक्कर काटे, एक मामूली सी मतलब एक कंप्लेंट लिखने के लिए भाई साहब एसपी के पास गए, एसपी ने आदेश किए होंगे तब उनकी कंप्लेंट लिखी गई, कंप्लेंट लिख गई तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत जो कार्रवाई हो जाएगी ना, शांति से बैठे भाई, अगला बंदा संतुष्ट नहीं है उनकी कार्रवाई से। भाई मैं पहले बोला हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ कि भाई देखो पुलिस में आप कंप्लेंट कर रहे हो वो ठीक है, वो फॉर्मेलिटीज आप पूरी करो, पुलिस एक्शन ले रही है अच्छी बात है, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि पुलिस एक्शन लेगी। वो भाई का मैंने आज जो वीडियो डाला था ना, आज सुबह मैंने डाला है वीडियो, भैया देख लेना, कुछ बकने से पहले मुझे मालूम बहुत से लोग बकेंगे आगे नीचे, और बकने से पहले बोल देना व्यूज़ के लिए कर रहा है। ये क्या बताऊँ यार, व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ, हर आदमी काम कर रहा है व्यूज़ के लिए, व्यूज़ आएंगे तभी तो लोग अवेयर होंगे, हम भी व्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं, लोग भी हम कर रहे हैं यार, क्या बताएं, तुम ये सुनना चाहते हो हमारे को तो ठीक है यार, क्या बताएं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इनसे डट के खुद सामना करना है, आप किसी के भरोसे ना रहते, क्योंकि ये कड़वी सच्चाई है यार। जो लोग लोन भुगती हैं, लोन से जो लोन लेके भुगते हैं, परेशान नहीं है, ये बात अच्छे से जानते होंगे, बोलो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हाँ भैया साइबर क्राइम का भी दरवाज़ा खटखटाया ना सुना, आरबीआई का खटखटाया ना सुना, प्ले स्टोर से तो कोई मतलब ही नहीं, उसका वो तो सबसे बड़ा रद्दी इंसान है, रद्दी है बिल्कुल प्ले स्टोर, अगर यही अगर जो है अनुमति ना दे, आज्ञा ना दे कि हाँ भैया हमारे पास आओ और जो है डाउनलोड करो, अरे यार ऐसी फर्जी लोन ऐप्स को हटाओ। अभी गूगल प्ले स्टोर ने एक अलर्ट जारी किया, मैंने डाला था, मैंने जो है वीडियो डाला था, मैंने उसमें ही बोला था वीडियो में, भैया देखो अलर्ट आ जाए चाहे सिक्योरिटी आ जाए चाहे कोई नियम कानून आ जाए, कुछ नहीं होने का जब तक सख्ती से डंडा नहीं किया जाएगा लोन ऐप्स के, मतलब डंडे का मतलब है इनका पूरा माध्यम खत्म कर दिया जाए, प्ले स्टोर तक सख्त हो जाए, कोई भी ऐप है उसकी बारीकी सी जाँच करे। अच्छा तो तू रजिस्टर्ड नहीं है, चल निकल यहाँ से, तभी काम बनेगा। भारत सरकार को भी प्ले स्टोर पर काम करना होगा, पुलिस को भी प्ले स्टोर पर काम करना होगा। देखो पुलिस का तो खैर प्ले स्टोर से संबंध नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डंडा कर सकती है, उनको तो उस पर काम करना है, जहाँ देखे कि रिकवरी एजेंट है कोई भी है तुरंत धरें और हर कंप्लेंट पर कार्रवाई करें, तुरंत करें, चाहे टीमें गठित करें चाहे कुछ भी करें, लेकिन लोन ऐप पर काम करें, इनको पकड़ें, तभी यहाँ पर कुछ हो सकता है। भाई देखो अगर जड़ से उखाड़ना है स्कैम को तो आपको हमको मिलके साथ काम करना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। न्यूज़ में भी बहुत चला, न्यूज़ में भी बहुत वायरल हो रहा है, आ रहा है न्यूज़ में भी, ऐसा नहीं है कि न्यूज़ में नहीं आ रहा है, न्यूज़ 18 है, नवभारत टाइम्स है, अमर उजाला, दैनिक जागरण, बहुत से न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं है। भाई देखो लोन ऐप्स को पता है कि अभी थोड़े दिन तक मामला उछला हुआ है, ये महीने दो महीने तक और न्यूज़ आ रही है, ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया, ये फिर से आएंगे भैया, ये लोग एक एक दिन में 10-10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं यार, 10-10 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं भाई, समझ रहे हैं। और बहुत सी जगहों पे मुझे ये भी सुनने में आया है कि कुछ ऐसे सबूत मिले लोगों को कि 300-300 के रिकवरी एजेंट लगातार कॉल्स कर रहे हैं, 300 एक बार में 300 रिकवरी एजेंट एक साथ काम कर रहे हैं, लोगों को कॉल करके परेशान कर रहे हैं। मेरे पास प्रूफ आ चुके हैं, मैं उसको देखूंगा, अगर मुझे लगेगा दिखाने लायक है मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और ये चीज़ें चल रही हैं दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव और बेंगलोर, इन जगहों पे यहाँ पे इनके कॉल सेंटर बने पड़े हैं, चल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सबसे पहले तो खुद को मजबूत कर लो, अगर आने वाली स्थिति ख़राब होती है भाई तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी मैंने वीडियो बनाया था, भैया पोस्टर लगा दिया और वायरल कर रहे हैं, देख तेरे गले मोहल्ले में ऐसे पोस्टर लगाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अभी एक नई आफत आ गई है भाई, कल को अगर उन्होंने आके घर के नीचे लगा दिया बाय चांस, पहले तो उनकी दम नहीं है कि वो आपके शहर में तक आए, और शहर में आ गए गली मोहल्ले पे वो आके लगा दिया, एड्रेस तो मिल जाएगा, आधार कार्ड में लगा होगा, तो यार ये भी बहुत बड़ी आफत है यार, आपकी बिजली तो और होगी, कॉन्टैक्ट लिस्ट में तो सीमित होते हैं 200 नंबर 300 नंबर, तो वहीं तक का हमारी बिजली होगी, उससे ज़्यादा अगर हमारा बिजली उन्होंने कर दी, चलता फिरता इंसान उस पोस्टर को देखेगा तो बड़ी आफत आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे बस कुल मिला के कहने का मतलब ये कि आप चाहे कहीं चले आना, आपको कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, गूगल के पास चले जाओ, आरबीआई का चले जाओ, साइबर क्राइम का चले जाओ, या अपनी सरकार के पास चले जाओ, आपने सब जगह ट्राई कर लिया होगा, कहीं से भी आपको रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। आपने ट्वीट भी किए होंगे, बहुत से लोगों ने कहा ट्वीट करो, ट्वीट को तो ऐसे कर रखा है जैसे ट्वीट कौन सी बड़ी ऐसी FBI है, SBI है या CBI है, क्या है जो ट्वीट करने से तुरंत पकड़ लिया जाएगा। मैंने देख लिया बहुत से ट्वीट कर रहे हैं पिछले 3 साल से, ट्वीट का ट्वीटा हो गया,
कुछ ना है, मैं तो ट्वीट पर कुछ समझता, ये तो बकवास है। ट्वीट किनके अच्छे लगते हैं? कपिल शर्मा के, शाहरुख खान के, और अक्षय कुमार के, मोदी साहब के। ये लोग ट्वीट करते हैं तो चर्चा में आते हैं। हम लोग ट्वीट कर रहे हैं, 4 लाइक आ रहे हैं, 2 कमेंट आ रहे हैं, और भाई में उसमें क्या कर लोगे भाई, जब तो कुछ ना करोगे अपने से। अरे खुद से लड़ो, इनको गालियां दो, इनकी भाषा में जवाब दो, बात खत्म हो गई है। और बहुत जल्द मैं ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आ रहा हूँ कि इनकी ऐसी तैसी कर दोगे। हम इनको कैसे लूट सकते हैं, इन्होंने आपको लूटा, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। बहुत जल्द वो वीडियो आ जाएगा, बहुत जल्द वो प्लेटफॉर्म पूरा कोर्स तैयार कर रहा हूँ, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप इनसे कैसे पैसे निकाल सकते हो, कैसे इनको लूट सकते हो। यार अभी तक उन्होंने आपको लूटा, अब आप इनको कैसे लूट सकते हो, सब कुछ मैंने बता रखा है, सब कुछ तैयारियां चल रही हैं। बहुत जल्द मैं खोल के रखूंगा सिर्फ इसी चैनल पे। इस चीज़ को लेके बहुत से लोगों की जलेगी, यह मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आप लोगों की हेल्प के लिए अगर कोई मेरा दुश्मन बनता है, कोई टेंशन नहीं है, बन जाने दो, क्योंकि मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। क्योंकि लोन ऐप्स वालों ने आपको परेशान किया है, मैं ऐसा तैयारी कर रहा हूं कि अगर उन्होंने आपको लूटा है तो आप अब इनको लूटें बस, और इनको इनकी भाषा में जवाब दें। किसी पर भरोसा मत करो, मैं तो यही कहूंगा, फॉर्मेलिटीज पूरी करो, कंप्लेंट करने की होती है या किसी में शिकायत करने की होती है वो करो, क्या पता तुक्का लग जाए, आपका सॉल्यूशन मिल जाए, समाधान मिल जाए, लेकिन भाई मैं उम्मीद नहीं करता। बाकी भैया खुद लड़ो, और यही तरीका, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई समस्या कुछ भी हो तो आप मुझसे संपर्क करो, कॉल मी फॉर ऐप के द्वारा एनी टाइम, किसी भी टाइम मुझे संपर्क करो, आपकी पूरी हेल्प करूंगा, और इनकी उचेलेंगे, इनकी फाड़ कर रखेंगे। और देखो युवा तो तय है कि आने वाले समय में ये फिर से आएंगी, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये फिर आपको परेशान करेंगे। इसलिए चैनल से जुड़े रहो, कुछ भी होगा, कैसा भी होगा, सब आपको जानकारी मिलेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये बहुत जरूरी है। बहुत मतलब यार आलसी लोग हैं, लापरवाह लोग हैं, जानकारी आप ले लेते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ये बहुत गलत बात है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब मैं अगले वीडियो में मिलूँगा, अगले टॉपिक में, किसी नए अच्छे तथ्य के साथ, नई अच्छी जो है न्यूज़ के साथ, अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।